क्या कहेंगे इस पे? जी हमको नहीं पता है इस बारे में कुछ भी, इस बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वजह से होल्ड किया गया है? अब ये उन लोगों से पूछिएगा, हमें क्यों पूछ रहे हैं हमसे वो, क्योंकि हम तो अपने निर्णय पे चल रहे हैं। जी जी जी। और आपसे क्या लालू परिवार अभी भी संपर्क कर रहा है टिकट देने के लिए? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को हम चाहते हैं कि यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। मैडम अगर आपके पास लालू परिवार का कॉल आता है तो क्या जो आपने बिल्कुल जो कहा है कि निर्दलीय लड़ेंगे या फिर कुछ इसमें आरजेडी से देखिए कुछ हो सकता है? देखिए हम लोग बहुत सिद्धांतवादी हैं साहब, के जो सिद्धांत और वसूल रहे हैं उसी को लेकर मैं चल रही हूँ। मैंने इस बार सारे कैंडिडेट से पहले मैंने अपना क्लियर कर दिया कि मैं इस बार इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, तो मैं उसी जुबान पे चल रही हूँ और इंशाल्लाह मैं इसी जुबान पे कायम रहूंगी। कहीं ना कहीं हिना साहब से आरजेडी डरी हुई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मनाने में सारे लोग लगे हुए हैं मैडम आप? ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हिना साहब मान सकती है क्या? ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप नॉमिनेशन के बाद सवाल जवाब करेंगे। और दौरा आपका कैसा चल रहा है मैडम? जी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है।